नमस्कार, जय श्री राम, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता। हम आपके बीच में सोलंकी स्टूडियो पलिया चैनल के माध्यम से ठाकुर चंद्रपाल सिंह सोलंकी आज एक ऐसे फनकार को आपके बीच उपस्थित कर रहा हूँ। मुझे गर्व हो रहा है बताने में आपको, आप लोगों को भी गर्व होगा इस बात पर कि हमारे बुंदेलखंड में और टीकमगढ़ जिले की धरती में एक ऐसा हीरा उत्पन्न हुआ है कि जिसके अंदर एक अनूठी पहल है। हमारे कलाकारों को बहुत खुशी होगी ये बात जान करके। अब जो खुशी मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारे टीकमगढ़ जिले में बैंजू का निर्माण होने लगा है। बैंजू की रिपेयर निर्माण, तो आज दिनांक 1/12/2019 को मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये सम्मानीय परम आदरणीय श्री रामदयाल हरवार जी हैं, चौधरी साहब हैं। इनका गांव ग्राम उमरी बड़ा गांव है, जो धसान के पास है, टीकमगढ़ जिला। इनका मोबाइल नंबर लिखिएगा 62-63-55-42। पुनः सुन लीजिएगा 62-63-55-15-42। ये इनका मोबाइल नंबर हुआ। बैंजू कहाँ से बनाना सीखा है आप? हरियाणा से सीखा। थोड़ा तेज बोलो। हरियाणा से सीखा है मैंने। अच्छा, कितने दिन सीखा है आपने वहाँ पर? मैं एक साल तो लगाता उनके पास, फिर आता जाता रहता हूँ उनके पास। अच्छा, जब भी उनके पास बैंजू का काम आ गया तो आप चले गए देखने के लिए? तो पूरी तरह से सीख गए, कोई कमी है? नहीं नहीं, सीखते पूरी तरह सीख गए हो। और मैंने सुना है आपने भी अपने कुछ चेले बना दिए वहाँ पे बाहर, रिश्तेदार वगैरह है। चलो अच्छी बात है। तो रिपेयर भी करते हुआ? हाँ, रिपेयर माने बैंजो इससे संबंधित कोई भी काम है सब। अच्छा अच्छा, तो एक और खुशी की बात है, क्या है कि ढोल के ढोल सुहावने होते हैं। कहीं टीकमगढ़ जिले का कोई पंडित है उससे अपन भागवत करा रहे हैं तो लोग कम सुनने के लिए जाएंगे, और बल्कि वो खूब होशियार है, वो एक मथुरा वृंदावन से अनपढ़ पंडित आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा कि भाई ये कहाँ से पढ़ा है, कहीं मथुरा वृंदावन से आए तो ज्यादा लोग सुनने जाएंगे। ऐसा ही हमारे बुंदेलखंड का है। आप फिर भी देखिए इंटरव्यू हो रहा है, कलाकारों को विश्वास नहीं हुआ कि जाने अच्छी बैंजू बजाते, इंदौर जबलपुर जाएंगे वहाँ 30-35-40-50 हजार देंगे, वो यहाँ मात्र 8 हजार में बैंजू आपके पास भैया जी 8 हजार बना के देंगे और रिपेयर भी करके देंगे। देखिए ये बैंजू बनाई है जो इन्होंने, देखिए कितनी सुंदर बैंजू है, बढ़िया बैंजू है, बढ़िया इसमें ये भी लगे हुए हैं आप देख सकते हो। और तो भैया जी एक बताइए, अगर रिपेयर के लिए कोई ये बदलवाता है तो कितने का बदलेगा? जी जी, पड़ जाएगा 1000 रुपए का। अच्छा अच्छा, और ये बदलवाता है कोई तो? हाँ, तो जे दो अलग है, जे चीज अलग है जी। अच्छा, और क्या बदलता है इसमें खराब होता है? और खराब जो रीड होती है ना, जो इसकी पर्दा होती है, जी होता है खराब। ये कितने का बदलता है? जी वो 1000-1200 रुपए का। अच्छा, ये नहीं बदल, ये नहीं, जी तो चाबी है, ये तो हो जाती है खराब, 40-50 रुपए की आती है। अच्छा अच्छा, और ये होता है खराब? होता है जी। हाँ होता है जी खराब, लेकिन इतने जल्दी नहीं होता है, 2-3 साल 4 साल लाइफ टाइम भी इसका, इसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। अच्छा हाँ, तो ये कितने का बदलता है जी? 1000 रुपए का आता है, 1500 के आता है, 700 रुपए का भी आता है। अच्छा, ये तार वगैरह जी? सब तार है जी, मार्केट में मिल जाते हैं हमारे पास। अच्छा, तो 8000 से और भी ज्यादा की आपके पास बैंजू? हाँ, है क्या? हाँ, उसमें क्या क्वालिटी बढ़ाते हैं आप? उसमें क्वालिटी नहीं है, थोड़ी इसकी जी है, जैसे जो इसकी रीड लगी है जो, तो जी रीड 8000 वाले में जी रहेगी। हाँ, और 15000 की लेंगे तो उसमें भी जी रहेगी। हाँ, सिर्फ उसकी जी डिजाइन फिजाने इसका पैसा बढ़ जाता है। अच्छा, ये लकड़ी का सागौन की लकड़ी हुई, ऐसी शीशम की हुई है, और थोड़ा और इसका ये माइकर का महंगापन, ये सब इसकी क्वालिटी ये बढ़ जाता, पीतल के हो गए, स्टील के हो गए, इसी का अंदर आता है। कई मैंने एक बेंच वाले को चांदी के लगवाए थे वो। अच्छा, तो आप लोग इनको काम दीजिएगा, इनसे बैंजू रिपेयर कराइएगा। जैसे कि हमारे हरनारायण यादव बैंजू वो हारमोनियम रिपेयर करते हैं, वो चनेरा में मनोहर में, तो आज एक बुंदेलखंड की धरती पे ही उत्पन्न हुआ है जो बैंजू का काम कर रहा है। बुंदेलखंड में पहली बार बैंजू का काम हो रहा है, तो आप लोग इनको काम दें। और हमसे भी कोई काम पड़े तो हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा 9926-93-4723। तो हम आपके बीच में से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड, जय भारत माता। स्टॉप।